क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, या दिन भर में 7 से 8 कप चाय पी लेते हैं, या फिर चाय पिए बगैर फ्रेश तक नहीं होते? तो जरा ठहरो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाय से जुड़े कुछ अनोखे और मजेदार फैक्ट्स के बारे में, जो आपके चाय पीने के नजरिए को एकदम बदल देंगे। दोस्तों, चाय एक मेडिसिन की तरह काम करती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके लिए चाय एक जहर से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, बताता हूँ। सन 1750 से पहले भारत की संस्कृति में चाय पीने का कोई रिवाज नहीं था, यहाँ तक कि लोग चाय नाम के शब्द को ही नहीं जानते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो वे अपने साथ चाय का पौधा लेकर आए, और भारत के ऐसे पहाड़ी स्थानों पर जहाँ मौसम सर्द होता है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे स्थानों पर इन पौधों को लगवाया और उन पौधों से चाय होने लगी। अब अंग्रेजों की एक समस्या थी, आज भी है और हजारों सालों से रही है, वो ये है कि ये ठंडे इलाके में रहते हैं, जिससे इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, इसलिए इन्हें चाय पीना जरूरी होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, चाय उनके लिए अमृत होती है, इसलिए इनके लिए चाय एक अमृत के समान थी। अब अंग्रेजों, अमेरिकनों, कैनेडियन, स्वीडिश, फ्रेंच और जर्मन, इन लोगों का बीपी भी लो होता है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं। उनके ठंड का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ साल में लगभग 6 से 8 महीने तो सूरज ही नहीं निकलता है, और अगर वहाँ के टेम्परेचर को कैलकुलेट करें तो वहाँ -20 से -30 डिग्री तक तापमान होता है, और हमारे देश में तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो उनका क्या हाल होता होगा? ज्यादा ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों का बीपी हमेशा लो होता है, जो जितने ज्यादा ठंडे इलाके में रहेगा उसका बीपी उतना ही लो हो जाएगा। चाहे तो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। करना सिर्फ इतना है कि 2 बर्फ की सिल्लियां लेना है और उनके बीच में लेट जाना है। सिर्फ 2 मिनट में 2 मिनट में आपका बीपी जो है लो हो जाएगा, और अगर हिम्मत करके आप 5 से 10 मिनट लेटे रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, और ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, ये समझने के लिए जब बीपी लो होता है तब कैसा महसूस होता है। इससे शायद आप समझ गए होंगे कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। वहाँ के घरों के ऊपर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, यहाँ तक कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती है, इसलिए वहाँ की सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा तो बर्फ को हटाने में खर्च कर देती है। वे लोग बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, इससे उनका बीपी लो होता है। अब ब्लड प्रेशर को तुरंत स्टिमुलेंट चाहिए, मतलब ठंड से बीपी लो हो गया है तो एकदम से बीपी बढ़ाना है या नॉर्मल करना है, तो चाय उसमें सबसे अच्छी चीज है। और दूसरे नंबर पे आती है कॉफी। तो घुमा फिरा के चाय उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका बीपी लो है या जो ठंडे इलाके में रहते हैं। अगर बात करें कश्मीर की, चाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड बहुत होती है, इस मौसम में चाय पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन पूरे साल चाय पीना सेहत के लिए बहुत खतरनाक। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी टाइम इज टी टाइम इज वेरी डेंजरस। अब अगर बात की जाए हमारे इंडिया की, तो इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो सुबह की चाय पिए बगैर टॉयलेट तक नहीं जाते, ये आदत बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपकी भी सुबह उठते ही फ्रेश होने के लिए चाय पीने की आदत है तो इसे अभी बदलिए। अगर आप इस आदत को नहीं बदलते हैं तो इससे होगा ये कि आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से खराब हो जाएगा,